हेलो जी, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्ट करने वाला हूं इमरान खान की टिकटॉक वीडियोस, यानी कि इमरान खान के कुछ हिस्से या फिर कुछ उनके ऊपर वीडियोस जो बनाए गए हैं या फिर उनके खुद के वीडियोस होंगे। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। इमरान खान के लिए सोच मीनार बना, समाज भी सकते हैं। बड़े होकर क्या बनोगे? इमरान खान। शादी के बाद बेटा हुआ उसको क्या बनाएंगे? इमरान खान ही बनाऊंगा। अगर पोता आगे हो गया तो फिर उसको क्या बनाएंगे? अल्लाह करे साथ नस्ली इमरान खान बन जाए। होठ मार सलूट, मेरा पुत्र है मुर्शिद फिर आ गए ने अपने पुराने रूप च। चलते हैं दबे पांव की कोई चाट न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। दोबारा सुनाओ। अरे उनकी। चलते हैं दबे पांव की कोई चाट न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। शहबाज शरीफ ने कल कहा कि मुझे अपने कपड़े बेचने पड़े। उस कंजूस को बोले, उस चोर को बोले, कपड़े मत बेचो, जो हमारा पैसा तुमने चुराया है तो वो हमें वापस करो। तो अगर इन्होंने सड़कें बंद की, आपने पैदल निकलना, लेकिन ये चांस मिस नहीं करना। अगर हमने ये चांस का फायदा ना उठाया तो मैं फिर से आपको कहता हूँ कि हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। डेरा गाजी खान के डेरा गाजी खान की पूरी इंतजामिया सुन ले, यहाँ के सरदार सुन ले, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो बहुत दूर की बात है उसको हाथ लगाना। यहाँ पे मैंने 2010 में जब मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैंने अपने शहीद भाई के जिस्म को 70-70 लाशों में ढूंढा है, चली हुई लाशों में। न मुझे खौफ है, न मुझे कोई आजमाइश में डाल सकता है, न मैं किसी से डरती हूँ। अगर तुमने मेरे किसी वर्कर को हाथ लगाया तो याद रखना कि डेरा गाजी खान तुम अंग्रेजों के कुत्ते ने लाने वालों के सरदार तुम तो कभी कभी ना हो सकते हो। ये डेरा गाजी खान सिर्फ हम सियालकोट में गुंडागर्दी के खिलाफ, कांचों के खिलाफ, डाकू के खिलाफ, चोरों के खिलाफ, गद्दारों के खिलाफ यहाँ पे एक ऐसी चौकी कटे हुए हैं। लेकिन अगर तुमने इंकलाब रोकने की कोशिश की, अगर तुमने किसी डेरा गाजी खान के किसी बंदे को हाथ लगाया तो याद रखना ये डेरा गाजी खान भी यही है और हम भी यहीं पर हैं। इंशाल्लाह बोलते हैं लोग। बेहतर ये है कि तुम अपने कातिल आला को, अपने इम्पोर्टेंट वजीर आजम को, और जो तुम्हारा वजीर दाखला है जिसने यार इतनी नफरत किसी को नहीं मिली होगी, फर्क करता है। मैं नहीं कह रही हूँ तुम उसके शौकीन जरूर हो, लेकिन याद रखना मॉडर्न दौर में तुमने आम खवातीन के मुँह पे गोलियां मारी है, वो तुम्हारा उस्ताद मोहतरम होगा। बोलिए। लेकिन मेरा लीडर और उस्ताद मोहतरम इमरान खान है,
ना हम किसी से डरते हैं, ना किसी का जो झुकते हैं, ना बिकते हैं। ये डेरा गाजी खान आज भी इमरान खान का, कल भी इमरान खान का होगा। इस एक जुमले ने उसके लोगों को जगा दिया। अब उसका लश्कर तैयार हो रहा है, एक बहुत बड़ा लश्कर। 25 तारीख को हमने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की हैं, अल्लाह तुम्हारे लिए हमारी दुआएं कबूल फरमाए और इन दुआओं के सदके तुम्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तो गाइज ये थी इमरान खान की वीडियोस, टिकटॉक वीडियोस, एंड बहुत ही तगड़ी वीडियोस थी एंड मज़ा आया इसको देखकर सच में यार। एंड लास्ट में तो मज़ा कर दिया वो मोहतरमा जो थी, क्या कमाल की स्पीच थी यार, क्या ज़बरदस्त जुनून वाली स्पीच थी। ऐसे तो अच्छे अच्छे मर्द भी नहीं दे पाते हैं, मतलब इतने जुनून के साथ, इतनी ताकत के साथ। तो वो बहुत सही लगी मुझे स्पीच जो भी दी थी उन्होंने। उनको मैं बहुत गौर से सुन रहा था क्योंकि उनकी आवाज़ में वो कड़कपन आ रहा था और लग रहा था कि हाँ एक बंदी जो है वो खड़ी है, कुछ भी कर जाएगी। उसने बोला, अपनी कहानी भी बताई कि मैंने छोटी सी उम्र में 10 साल पहले अपने 70-70 लाशों में अपने भाई को ढूंढा है। भाई बोल रही थी ना, हाँ भाई को ढूंढा है। सो यार क्या कहानियाँ हैं लोगों की जो जुड़े हुए हैं लोग, क्या इमोशनल कहानियाँ हैं। लास्ट में एक और वीडियो था जो मोटिवेशनल लग रहा था, इमरान रियाज खान की आवाज़ के उसके एक जुमले ने उसकी कौम को जगा दिया। उसके बाद थोड़ा साइलेंस रहा और वो नज़ारे रहे, जो जलसों के मंजर थे वो थे सामने। और फिर एक और बात आई कि अब जो पब्लिक निकलेगी, तो वो लाइंस बढ़िया थी यार, तगड़ी थी और अमेजिंग यार, बहुत ही तगड़ी वीडियोस थी इसके अंदर। एंड सबसे पहले एक और वीडियो था, एक फनी वीडियो भी था इसके अंदर बीच में, जो चप्पलें मारने वाला था। वो तीन फ़ोटो थे, शहबाज शरीफ और इन लोगों के जो फ़ोटो थे ना, उस पर एक मशीन बना कर रखी थी लकड़ी की, जुगाड़ कर, तो वो ऐसा करके पकड़ो तो उसके चप्पल लग जाए मुँह पर, फिर हटाओ, फिर मारो, फिर हटाओ, मतलब उसको कोई भी आकर बजा कर जा सकता है, मतलब जिसका दिल कर रहा हो, जिसके अंदर खुन्नस हो बहुत सारी। और हाँ एक और वीडियो थी, इमरान खान के लिए एक स्पीच दी थी असेंबली में अली मोहम्मद खान ने, उनकी स्पीच को उन्हीं के सामने एक बंदा रिपीट कर रहा था, बोल रहा था, रटी हुई थी, मतलब उसको याद थी, वो उनको सुना रहा था। वो सीन भी बढ़िया लगा, मतलब वो वीडियो भी बढ़िया थी। सो ये टिकटॉक वीडियोस थी सारी इमरान खान के ऊपर, इमरान खान के लिए, इमरान खान की वीडियोस थी। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी वीडियो इसमें से आपको अच्छी लगी और हमारा रिएक्शन अच्छा लगा। तो लाइक करते जाना, शेयर करते जाना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करते जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।